नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल न्यूज़ चैनल पर, जिस पर मिलती है आपको हर एक वो जानकारी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसी जानकारी जिससे बदल सकती है आपकी ज़िंदगी, और सुनहरे मौके ऐसे बहुत सारे जिससे आप जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं किसी अच्छी तरह अच्छी कोई नौकरी की तलाश में है, या कोई अच्छी जानकारी फाइनेंशियल सेविंग्स करना, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती हूँ बी रियल न्यूज़ चैनल पर। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और जानकारी लेकर। आपको बताने वाली हूँ आज मैं कि एक व्यक्ति ने खेती में 50 लाख रुपए कमा रहा है। ये व्यक्ति, मतलब ये शख्स जो है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 50 लाख रुपए खेती में कमा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी खेती है कि जिसमें व्यक्ति 50 लाख रुपए कमा रहा है, एक किसान 50 लाख रुपए कमा रहा है, और ऐसी कौन सी खेती है भाई। किसान तो एक साधारण सा व्यक्ति होता है जिसकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसी कौन सी खेती आ गई, ऐसा कौन सा किसान आ गया जो 50 लाख रुपए कमा रहा है। तो आपको बताऊँगी कि आप भी कमा सकते हैं ये इतनी ही रकम, इस तरह का भी कर सकते हैं ये, अगर आप किसानी खेती में इंटरेस्ट रखते हैं बिल्कुल भी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कौन सा किसान बनना है, आपके लिए नहीं है वीडियो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि मिलती रहे आपको उन लोगों को ऐसी जानकारी जो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर। का नाम है अशोक कुमार, जिनकी सालाना कुल संसाधनों से लगभग 50 लाख रुपये की आमदनी होती है और लगभग 25 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें सालाना 25 लाख रुपये की शुद्ध बचत हो जाती है। अगर चाह है तो राह है, ऐसा ही कुछ बिहार के मधुबनी ज़िले में रहने वाले किसान अशोक कुमार ने किया है। अशोक पहले सिर्फ मछली बीज उत्पादन करते थे, फिर उन्होंने नए ज़माने में नई खेती करना शुरू किया, नई खेती का महत्व समझा, और आज इसके ज़रिए सालाना 50 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। उन्होंने सालाना कुल संसाधनों से लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी की है और लगभग 25 लाख रुपए इनके खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें सालाना 25 लाख रुपए की शुद्ध बचत हो जाती है। इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें राज्य सरकार से कई बार सम्मान भी मिल चुका है, पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो बता दें आपको, नए ज़माने की खेती, सोच रहे होंगे कि आप भाई ऐसी कौन सी नए ज़माने की खेती है, तो आपको बता दें कि समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन यानी कि जानवरों को पालना, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी का इस प्रकार का समायोजन किया जाता है। इससे वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ऐसा कर किसान आसानी से उत्पादकता बढ़ा लेता है और आमदनी कई गुना हो जाती है। अशोक कुमार सिंह भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन में विभिन्न फसलों की खेती के साथ बागवानी, पशुपालन और मछली पालन भी कर रहे हैं, और इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। इनके इस काम ने दूसरे किसानों को भी राह दिखाई है, मोटिवेट किया है। ये मुख्य तौर पर मछली बीज को तैयार कर बेचते हैं, साथ ही 5 एकड़ क्षेत्र में धान और गेहूँ, 1.5 एकड़ में आलू और सब्जियों की खेती तथा पशुपालन आदि करते हैं। इतना ही नहीं, वो मछली पालन के साथ मखाने की भी खेती कर रहे हैं, तालाब की मेड़ों पर लत्तर वाली सब्जियों की खेती करते हैं, पशुओं से मिलने वाले गोबर से बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कमाते हैं 50 लाख रुपए। अशोक कुमार बताते हैं कि सालाना कुल संसाधनों से लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी होती है और लगभग 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें सालाना 25 लाख रुपए की शुद्ध बचत हो जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, इसको शेयर करना ज़रूरी है। जो लोग हताश हो जाते हैं कि जी किसानी में कुछ नहीं रखा है, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है, चलो भाग के नौकरी कर लेते हैं, शहर चले जाते हैं अपनी ज़मीन छोड़कर, जब वो लोग निकलते हैं गांव से शहरों की ओर, तो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो गाँव से अपनी ज़मीन छोड़कर बिहाली में निकलता है शहरों की ओर। हालाँकि शहर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों के सपने पूरे होते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए, जब इंसान जिस जगह से जुड़ा हुआ है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ ज़िंदगी बीती, जहाँ उसके माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन सब लोग हैं, वहाँ से एकदम से अपनी बेहाली के कारण, अपनी मतलब रोज़ी रोटी के लिए इंसान को ज़मीन छोड़कर निकलना पड़ता है, तो उसे जितना दुख और कष्ट होता है सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो या जिसने मजबूरी में ऐसा किया हो। तो इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, ताकि जितने भी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, जो आज सोच रहे हैं कि किसानी और खेती छोड़ देते हैं, तो उनको आपको बताना होगा, ये वीडियो दिखाना होगा, ये वीडियो शेयर करना होगा, ताकि वो हताश ना हो, डिमोटिवेट ना हो, उनको एक मोटिवेशन मिले, और वो भी कहें कि हाँ यार, किसानी में बहुत कुछ है, हम भी इस ज़रा सी ज़मीन में सोना उगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमें अपनी ज़मीन को छोड़कर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, और ज़रा सी मेहनत और ज़रा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, नहीं इसी राह पर चलकर, जैसे कि अशोक जी ने मेहनत की और इसी राह पर चलकर वो लखपति बन गया, लाखों रुपये कमा रहे हैं।
तो आप भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा ही अपने सपने पूरे कर सकते हैं। देखिए जब तक आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे, तो ये बोलने से तो कभी कुछ नहीं मिलता कि अरे यार बहुत मुश्किल है, कहना आसान है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब आप करेंगे नहीं तो होगा कैसे यार, रेस में पार्टिसिपेट किए बिना ही बोल देंगे अरे नहीं हम तो हार ही जाएंगे, तो आप तो वैसे ही हार चुके हैं। जब आपने ये सोच लिया कि कुछ नहीं होने वाला, तो एक हार तो सबसे पहले आपकी वहीं हो जाती है जहाँ आप नेगेटिव सोच लेते हैं। तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी, बी पॉजिटिव। वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप में, जितने भी लोग हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं चाहे ना जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को शेयर तो ज़रूर करेंगे अपने भी दोस्तों से, ताकि जितने भी लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुँच जाए। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, तो ताकि आपको मिलते रहे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी बी रियल न्यूज़ चैनल पर हर रोज़। साथ ही आपके फ़ायदे से जुड़ी हुई खबरें आपको हर रोज़ मिलती रहे। आपको कुछ कहना चाहते हैं चैनल के बारे में, मेरे बारे में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी जानकारी के बारे में, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा होने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, देखिए इतनी मेहनत से आती है जानकारी आपके पास, तो लाइक करना तो बनता है दोस्तों, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आती रहूँगी बी रियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।